नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अन्नू कपूर हाजिर हूं आपकी खिदमत में, आपके इस फेवरेट चैनल 92.7 बिग एफएम पर, आपका फेवरेट प्रोग्राम लेकर जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। थैंक यू वेरी मच। सजे हैं शामियाने, चांद तारों की हैं बारातें। सजे हैं शामियाने, चांद तारों की हैं बारातें, कि अब आने को हैं खुशबख्त दिन और मेहरबान रातें। ये मेहंदी, चूड़ियां, सिंदूर, बिंदी, हार, नथ, झुमके, कि जैसे सात जन्मों की मिली हों सात सौगातें। दुनिया में चार सीजन होते हैं, मगर हमारे यहाँ पांचवा सीजन भी आता है, जिसे हम कहते हैं वेडिंग सीजन। और इन दिनों वही सीजन आया हुआ है। हर तरफ शादियों की धूम मची हुई है, आसपास के मैरिज गार्डन सजे हुए हैं, बहुत से बैचलर सहरा बांधकर अपनी बैचलरशिप को अलविदा कह रहे हैं। तो वेडिंग के इसी सीजन में हम भी आपके सुहाने सफर में आज से लेकर आगे आने वाले कुछ दिनों तक कुछ फिल्मी सितारों की शादी के किस्से आपको सुनाएंगे। इस सीरीज में आज शुरुआत करूंगा महमूद की शादी की स्टोरी से। इसके बाद की बाकी स्टोरीज में सलिल चौधरी और उनकी फिल्म मधुमती की कहानी होगी। मधुमती के लिए जब बिमल रॉय ने सलिल चौधरी को फाइनल किया तो दिलीप कुमार कन्विंस नहीं थे। क्या डाउट था दिलीप कुमार के मन में और कैसे सलिल चौधरी ने दिलीप कुमार के डाउट का जवाब दिया, उनके संशय का समाधान किया, बताऊंगा आज की महफिल में। इसके अलावा एक ट्रिविया मुगले आजम के एक गाने का, जब प्यार किया तो डरना क्या। इस गाने के शूट होने और स्पेशल स्क्रीनिंग के बाद भी डायरेक्टर के आसिफ को उसमें कुछ कमी लगी। के आसिफ ने क्यों गाने को दोबारा शूट किया। इसके अलावा रेगुलर फीचर्स होंगे। दिल ने फिर याद किया में याद करेंगे महान अभिनेत्री दुर्गा खोटे को। लिसनर क्वेश्चन में सवाल पूछा गया है कि क्या किशोर कुमार ने राजेंद्र कुमार के लिए कोई गाना गाया है, बताने की कोशिश करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का सुहाना सफर। आज की पहली स्टोरी, वेडिंग स्टोरी, शादी की कहानी, विवाह कथा, महमूद और मीना कुमारी की बहन मधु की कहानी। महमूद साहब मीना कुमारी की बहन मधु को टेबल टेनिस सिखाने जाया करते थे और टीटी सिखाते सिखाते इश्क का खेल सिखा बैठे। लेकिन महमूद और मधु के इस इश्क के खेल के बारे में ना तो महमूद के घर वालों को कुछ पता था और ना ही मधु के घर वालों को। लिहाजा महमूद की मां ने महमूद की शादी अपनी एक अजीज दोस्त की बेटी से तय कर दी। उधर जैसे ही मधु के घर में दोनों के इश्क के बारे में पता चला तो वहां कोहराम मच गया, क्योंकि मधु के पिता अली बख्श को यह रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं था। इस रिश्ते के वो सख्त खिलाफ थे। घर में तनाव बढ़ गया। सो एक दिन मधु अब्बा का घर छोड़कर महमूद के घर आ गई। महमूद की माँ लतीफुन्नसा समझ गई, दोनों को समझाने की बहुत कोशिश की। महमूद ने माँ को मनाने के लिए झूठ तक बोल दिया कि मधु प्रेग्नेंट है और अगर हमारी शादी नहीं हुई तो ट्रेन से कटकर जान दे देगी। झूठ पकड़ा गया, पर दोनों ने ही माने। हार कर मां लतीफुन्निसा को मानना ही पड़ा और दोनों का निकाह तय हो गया। तारीख मुकर्रर हुई 4 सितंबर 1953। शादी की तैयारियों की जिम्मेदारी संभाली महमूद की मौसी गफूरुन्निसा ने, जो भाईखला में रहती थी। महमूद और उनकी फैमिली उन दिनों मलाड में रहा करती थी। जिस घर में वो रहते थे उनकी दीवारों में पलस्तर नहीं था, फर्श टूटी हुई और बिजली नहीं थी। हाँ, इस घर को घर बनाने के लिए उनका पूरा परिवार साथ में था, सब एक दूसरे के हम कदम और हम साया। लीजिए साहब, शादी की तैयारियां शुरू हो गई। बहनों ने दीवार की ईंटों को चांदी के रंग की पन्नियों से ढक दिया। घर में बिजली नहीं थी, सो कैरोसिन के पेट्रोमैक्स लैंप जलाकर घर को रोशन कर दिया गया। टूटे फूटे फर्श को ढकने के लिए महमूद बॉम्बे टॉकीज से लाल कालीन ले आए। महमूद के मौसा मोहम्मद यासीन ने निकाह के लिए भिंडी बाजार से काजी को बुला लिया। काजी साहब का नाम था अताउद्दीन। दूल्हे की ओर से वकील बने मोहम्मद यासीन और दुल्हन की तरफ से ये फर्ज अंजाम दिया परिवार के एक दोस्त गुलाब चचा ने।
छोटे से घर में दूल्हा और दुल्हन के लिए अलग से बेडरूम कैसे बनवाया जाए। तो जनाब, इसका हल कुछ यूं निकाला गया कि कमरे को पर्दों के जरिए दो हिस्सों में बांट दिया गया, एक नए नवेले कपल के लिए, दुल्हन और दूल्हे के लिए, एंड रेस्ट फॉर द रेस्ट ऑफ द फैमिली। तो इस तरह महमूद और मधु का निकाह हुआ। जब सारा परिवार साथ था तो तंगहाली और तंगदस्ती के बावजूद शादी की खुशियों में, जोश में, उमंग में कोई कमी नहीं है। विमल रॉय ने जब मधुमति के म्यूजिक के लिए सलिल चौधरी को सेलेक्ट किया तो दिलीप कुमार को लगा कि सलिल चौधरी वैसा म्यूजिक नहीं दे पाएंगे जैसा शंकर जयकिशन, एसटी बर्मन, ओपी नैयर और नौशाद दिया करते हैं। लेकिन सलिल चौधरी ने उस साल के अवार्ड्स में इन्हीं म्यूजिक डायरेक्टर्स को कैसे जवाब दिया, ये स्टोरी सुनाऊंगा थोड़ी ही देर में। आप सुनते रहे सुहाना सफर विद अनु कपूर सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर।